यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और मेरठ में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। बदन सिंह बद्दो और उसके बेटे पर चार्जशीट दायर की गई। ब्रह्मपुरी पुलिस ने 1.5 साल के बाद इस मामले में चार्जशीट दाखिल की। 28 मार्च 2019 को मुकुट महल होटल से फरार हुआ था बद्दो। 19 लोगों के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दायर की जा चुकी थी और अब बदन सिंह बद्दो और उसके बेटे पर चार्जशीट दाखिल की। मेरठ में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। खबर कौशाम्बी से है। वहां पर बंद कमरे में पिता और बेटे का शव मिला है। बेसुध हालत में पत्नी भी कमरे में मिली है। 4 दिन से तीनों कमरे में कैद थे। खुद को कमरे में बंद करने की जानकारी मिल रही है और सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। इस सारा मामला है पिपरी थाना इलाके के चायल कस्बे का। खबर एटा से है। वहां पर भाजपा नेता पर दबंगई का आरोप लग रहा है। वकील ने नेता पर मकान कब्जे का आरोप लगाया है। सत्ता के रसूख के चलते मकान कब्जे का आरोप लगा है। विरोध में वकील ने 17 दिनों तक धरना दिया है। पुलिस प्रशासन ने वकील को समझाकर धरने से हटवाया है। पीड़ित परिवार को नेताजी से जान का भी खतरा है। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं अविनाश शर्मा उर्फ रामू भटेले। भाजपा नेता पर दबंगई का आरोप एटा में। सत्ता के रसूख के चलते मकान कब्जे का आरोप। विरोध में वकील ने 17 दिनों तक धरना दिया है और बाद में पुलिस प्रशासन ने वकील को समझा बुझा कर हटाया है। एटा से खबर। भाजपा नेता पर वकील के द्वारा दबंगई का आरोप। इधर बुलंदशहर में जरा सी लापरवाही ने 2 लोगों की जान ले ली। जहां पर सिकंदराबाद के दुल्हरा गांव में एक डंफर का अचानक जैक खुल गया। इसके बाद डंफर गांव के प्रवेश द्वार से टकरा गया और प्रवेश द्वार के मलबे में दबने 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में डंफर के चालक परिचालक की मौत हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को मलबे से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। अब खबर हापुर से है। कल से लापता बच्ची का शव मिला है। कल घर के बाहर से गायब हो गई थी बच्ची। तालाब से बच्ची का शव मिला है। थाना बहादुरगढ़ के जखेड़ा रहमतपुर गांव का सारा मामला है। हापुर से खबर। तालाब से बच्ची का शव मिला जो कल से लापता थी। घर के बाहर से कल गायब हो गई थी, उसका शव मिला है। अब खबर बुलंदशहर से है। लद्दाख में तैनात जवान कुलदीप शर्मा शहीद हो गए हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में तैनात थे शहीद कुलदीप शर्मा। कुलदीप के शहादत की खबर से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। सूचना मिलने के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। शाम तक पैतृक गांव लाया जाएगा कुलदीप का पार्थिव शरीर। ऊंचा गांव ब्लॉक के भगवंतपुर के रहने वाले थे शहीद कुलदीप शर्मा।